असल खुश खैर तमाम देखने वालों को प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेजबान अपने मुख्तलिफ हवालों से गुफगू की जाती है, है। गुज्ता कई प्रोग्राम से बात हो रही है मुल्की मीशत के हवाले से बड़ी तफसी नफगू हमने की और आपके लिए एक बड़ा खास प्रोग्राम भी लेकर आए जिसमें बजट के हवाले से बड़ी तफी से बात हुई है और जो सबसे ज़्यादा सवाल मौसू हुए एक तो इस वक्त जो जारी सूरत हाल है उसके हवाले से लोग ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं जानना चाहते हैं कि जो सियासी मामला हैं वो किस तरफ जा रहे हैं दूसरी तरफ जो मौसी मामलात हैं संभलने का नाम नहीं ले रहे उनको किस तरह काबू किया जाएगा बजट के हवाले से एक आम आदमी के हमेशा से तहफ़त रहे हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो अंसर है वो महंगाई का है इसको कैसे कंट्रोल किया जाए तो ये समझने की ज़रूरत है कोशिश की कि इन तमाम मामला पर गुफ्तु की जा सके और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि सवाल बहुत सारे मौसू हुए तो सवालत हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में उनको शामिल करते हैं आज भी बहुत सारे मामला पर गुफगू करनी है फर्दन फरतान तमाम मामला पर बात की जाएगी बल्कि मख्तलिफ़ मामला पर आज मौका मिलेगा बात करने का क्योंकि स्टूडियोज़ में बड़े ही खास मेहमान यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुश आमद कहूँगा और फिर मुख्तलिफ हवालों से गुफगू -गु की जाएगी जिसमें मौशी मामला सर फहरिस्त हैं यकीन नौजवानों के मसाइल और फिर ख़्वीन के मसाइल के हवाले से भी आज बात करनी है और एक और बड़ी अहम चीज़ है जो फिटनेस के हवाले से आजकल बाज़ गश्त सुनाई दे रही है मुख्तलफ़ मामला पर वो भी आज जेर बहस आएँगे तो सबसे पहले मौजूद मेहमानों को खुश आमद कहूँगा डॉक्टर फ़राज अहमद वाजदी साहब हमारे बड़े ही ख़ास मेहमान बड़े अच्छे दोस्त एक बड़े तवील अरसे के बाद उनको हमने यहाँ पर मद़ किया है और पिछले चैनल पे जहाँ हम काम किया करते थे मौशी मामलत के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तू किया करते थे तो बड़ी खुशकस्मती है हमारी एक दफ़ा फिर आज हमारे साथ यहाँ मौजूद रहे डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए उनके हमर तशरीफ़ रखती हैं और हमारी बड़ी खास मेहमान जब भी फ़िटनेस के हवाले से हमें कोई मामला समझना हो कोई डाइट प्लान ख़ासतौर पे जिसका आजकल तस्करा हो रहा है तो उसके ऊपर भी बात होगी तो हम तुबा हसन को यहाँ हमेशा सहमत देते हैं फिटनेस एक्सपर्ट हैं बहुत शुक्रिया है तबाह प्रोग्राम में वक्त देने के लिए डॉक्टर साहब गुफ्तु का आगाज़ आपसे किए लेते हैं अब सबसे पहला जो सवाल है वो ज़रा मौशी मामल के हवाले से है एक आम आदमी की जो फिक्र है जो सोच है वो बड़ी महदूद हो गई है मामलात ज़िंदगी कुछ इस तरह के हो गए हैं कि चीज़ें जैसे मैंने कहा कि काबू में नहीं आ रही हैं अब ये बढ़ती महंगाई का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है और यकीन ये सूरत हाल नज़र भी आती है और कमो बेश ऐसी ही सूरत हाल पूरी दुनिया में इस वक्त हमें नज़र आती है मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर फसल गुफ्तू की जाए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ख्याल ये किया जाता है कि ये जो बढ़ती महंगाई है या जो सियासी मामला हैं ये कभी कंट्रोल में नहीं आ सकेंगे इसकी क्या वजह है क्यों ये तासर मिलता है मैं चाहूँगा जरा यहाँ से गुफ्तु का आगाज किया थैंक यू सर आपने इन्वाइट किया और आपसे हमारी बड़ी पुरानी एक, एक एसोसिएशन है तो बस देखें बात कुछ ऐसी है कि महंगाई का ताल्लुक हमारे यहाँ महंगाई का ताल्लुक सियासत से है जी बिल्कुल लेकिन दुनिया में महंगाई का ताल्लुक सियासत से नहीं है जी। उनकी अपनी इकनॉमिक इंडिकेटर से ठीक है देखें जो महंगाई का सिलसिला हमारे यहाँ चल रहा है उसमें अगर मैं आपको जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा डिटेल्ड उसको जी, आंसर दूँ हमारे यहाँ तीन किस्म की क्लासेज हैं, क्लासे हैं। पहली क्लास एक बिजनेस क्लास है ठीक है दूसरी क्लास जो है वो बिल्कुल लेबर क्लास है और जो बीच में है वो मिडी क्लास हुँ, है हुँ, मेरे एनालिसिस के हिसाब से आपके पाकिस्तान में 60 टू 80 परसेंट लोग जो है वो मिडी क्लास से बिलोंग करते बिल्कुल 10 टू 20 परसेंट एक लीट और लग्जरी क्लास से बिलोंग करते हैं और एक तबका आपका जो है जो लेबर क्लास में ठीक है ना अब इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर एक बिजनेस कम्युनिटी का आदमी है बिजनेस मैन किसी हालात में नुकसान में नहीं है लोगों ने कोविड को बहुत क्रिटिसाइज किया मैंने कोविड पे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया मैंने कहा कोविड जो है ना आज ये एक बिजनेस प्रोडक्ट है जिसकी दुकान नहीं भी चलती थी वो ऑनलाइन है उसके लिए एक बहुत बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट है अच्छा देखें बिजनेस प्रोडक्ट का क्या है कि लोग जो बिजनेस मैन है आप जितनी भी महंगाई करते हैं आप पेट्रोल पाँच सौ रुपये लीटर ले जाए वो अपने प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ा देंगे जी। वो किसको निचोड़ेगा वो कंज्यूमर से लेगा ठीक है एंड यूजर उसको पे करेगा सारे टैक्सेस गवर्नमेंट को मिलेंगे दोनों सूरतों में उनका फायदा है है बिल्कुल ठीक जो नीचे बिल्कुल लेबर क्लास है, है। वो आज आपसे मजदूरी हजार रुपए ले रहा है, है। कल दो हजार रुपये ले लेगा बिल्कुल ठीक है आज ग्राउंड रियलिटी है अभी मैं अपने घर में ये काम करवा के आया बिल्कुल ठीक जो आपकी मेडियोकर क्लास जो सैलरीड पर्सन है उसमें हम गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को इंक्लूड कर लेते हैं ठीक है उसकी सैलरी में कोई रेज नहीं है महंगाई आपकी दवाएं तकरीबन लोग तो पाँच सौ छः सौ कहते हैं लेकिन मैंने उसको आ, क्योंकि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट से ताल्लुक है तो हमने उसको एनालाइज किया फोर हंड्रेड परसेंट इनक्रीज है चार सौ फीसद बिल्कुल। एक छोटा सा जायनोसिन ने स्प्रे था जो तेईस रुपए का आता था आज वो पचास रुपये का है बिल्कुल ठीक क्योंकि ये वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ जो मैं यूज करता हूँ ठीक है अब सैलरी पर्सन जो है वो बिल्कुल इस महंगाई में मारा गया हुँ, हुँ. अब वो कैसे करेगा हुँ. उसके लिए तो गवर्नमेंट को या उनके इदारों को कोई ऐसा नया एकदम करना पड़ेगा जिसमें से उनको अकोमोडेट करें महंगाई के रीजन देखें अभी जो आपके यहाँ पास प्रैक्टिस चलती रही है जो गुजर गया वो वापस नहीं आना जो महंगाई आपके हो गई है आज हमारे यहाँ एक रुपया भी कभी कम नहीं होता और ना वो कभी होगा अब आपको अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए आपको अपने जो लग्जरी कॉस्ट आपने बिला वजह बढ़ाई हुई है उसको रिड्यूस करना चाहिए हुँ, जिसे हम कॉस्ट रिडक्शन कहते हैं ठीक है। और दूसरा अपनी इम्पोर्ट्स को थोड़ा कम करना चाहिए अभी जो डिसीजन हुए हैं कुछ चीज़ों पे इम्पोर्ट पे ड्यूटीज पे उन्होंने किया है जी. तो अभी बजट जो आया है मेरे हिसाब से कोई इतना ना अच्छा है ना बुरा है बुरा लेकिन उससे थोड़ा सा इस मीडियाल तबके को जो उसकी सैलरी में इंक्रीज दिया है खासतौर पर जो लोग गवर्नमेंट इम्प्लॉज हैं तो उसमें थोड़ा सा मुझे नज़र आ रहा है ठीक है अच्छा महंगाई देखें अभी ग्लोबली अगर आप पेट्रोल प्राइसेस देखें तो आपके प्रोग्राम कल आपने इशारा मुझे दिया था किस पर बात करें क्योंकि मैंने ग्लोबली उसकी प्राइसेस देखी हैं देखिए तेल महंगा होता है दुनिया में हर चीज़ महंगी है ठीक है आज से तीन साल पहले उम्र पे दुबई पे गया था तो पूरा टिकट मिला के बहत्तर हज़ार रुपये करना था आज दुबई का टिकट अस्सी हज़ार रुपये तो पेट्रोल प्राइसेस का इंपैक्ट एमिरेट्स पाकिस्तान तो नहीं ले रहा है ना वो तो यूए ले रहा है बिल्कुल ठीक है तो अगर आप देखिए तो पेट्रोल प्राइसेस अभी भी इंडिया में टू प्लस है जी यूरोप के साइड पे आप जितने भी चले जाएं फिनलैंड हो आपके जर्मनी हो आपका स्विट्जरलैंड हो वहाँ हर जगह पेट्रोल तीन सौ रुपये से ऊपर है जी ऐसा ही ठीक है आपको तो पहले सब्सिडी दी आपको आवाम को रिलीफ दिया लेकिन हो सकता है अब वो कैपेसिटी नहीं है बिल्कुल ठीक है तो एक फ्यूल बढ़ने से कोई मैं समझता हूँ इम्पैक्ट तो है ना, लेकिन वो मैनेजेबल इम्पैक्ट है लोग अपनी ट्रैवलिंग थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करें आप जो है, प्राइस हैं फंडामेंटल चीज़ों पर कम कर दें ठीक है देखें ना पेट्रोल का इम्पैक्ट कल मुझसे एक साथ बात कर रहे थे उनको मैं ही बता रहा था मैंने कहा देखो यार पेट्रोल अगर एक कंपनी से एक गाड़ी आती है हुँ. उसकी फ्लाइट एंड गाटरेज अगर उसको पाँच लीटर का पड़ता है जी. तो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो डेढ़ हजार रुपये का पड़ जाएगा हुँ, लेकिन हुँ, उसके अंदर सामान तो वो उतना ही ला रहे हैं ना बिल्कुल ठीक है आप फंडामेंटल प्रोडक्ट्स या बेसिक नीड जो आपके आप उस पर बढ़ा ना बढ़ाएं आप आटा दाल चीनी जो आपकी फंडामेंटल चीजें हैं उसको है। है। आप एक स्लैब बना देखिए आप अमरीका की ले लें या लंदन की ले लें तो वहां आज दूध हमसे सस्ता है जी जी आज जो सॉफ्ट ड्रिंक का कैन था वो आज भी उतने है। उतने का का ही ही है है वही प्राइस मैं दुबई में एक जगह एक शवारमा खाता था वो तीन धर्म का था वो आज साढ़े तीन धर्म का है बिल्कुल तो बेसिक नीड्स को उन्होंने हिट नहीं किया देखिए ये सर आप भी ट्रैवलिंग करते हैं और मेरा ट्रैवलिंग शौक है हम दुनिया में महंगाई का अंदाजा या परेशानी का अंदाजा इन चीज़ों से लगाते हैं कि हम दुनिया में कहीं पर भी लैंड करते हैं कभी आपने कोई बेसिक चीज के बारे में नहीं सोचा होगा कभी आपने एयरपोर्ट से उतरते हुए सोचा कि यार मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ पानी नहीं होगा कभी वहाँ नहीं बिजली नहीं होगी शेडिंग वहाँ खाना नहीं होगा या वहाँ मेरे पास सोने को साफ बिस्तर नहीं होगा या वहाँ एक क्लीन वॉशरूम नहीं होगा कभी नहीं सोचना लेकिन पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर हम जैसे ही अपने लैंड करते हैं सबसे सब पहले हम सोचते हैं भाई घर में बिजली होगी नहीं होगी <laughs> तो, तो ये बेसिक प्रॉब्लम है और ये महंगाई का जो रेशियो देखें एक चीज जो बढ़ गई है हम इसे खत्म नहीं कर सकते ठीक है ये मैं आपको लिख के दे दूं कि अगले दो साल तक भी ये महंगाई खत्म नहीं होगी ये सिर्फ कंट्रोल हो सकती है ठीक है और इसका जो रीज़न है ना वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो वो हमें किसी पे हम इल्जाम तराशी नहीं कर सकते हमारे लिए जो भी हुक्मरान है वो हुक्मरान है लेकिन

और उसके बाद फिर चीज़ें एग्जीक्यूट होना शुरू होती है। लेकिन हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्योंकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो ऐसी रही है जैसे मिसाल के तौर पर जो पिछली गवर्नमेंट थी वो जाते जाते एक मौका ऐसा आया कि एक पॉलिटिकल एक आप समझ लें गेमिक था वो कि जिसमें दस रुपये प्राइसेस अचानक से कम कर दी और उसकी जस्टिफिकेशन ये दी कि हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो बहुत अच्छी हो गई है तो हमने जो है हमारे पास स्पेस स्पेसा हमने आपको डिलीवर कर दिया तो एक टेक्निकल मिस्टेक हो रही थी जिसका नतीजा आपको बहुत जल्द जो है वो सामने आपके आ गया इस तरह और भी बहुत सारी मिस्टेक्स रही डॉक्टर साहब इसके ऊपर अभी दूर करते हैं जरा तूब की तरफ चलते हैं तूबा से हम जरा बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से अब ये स्ट्रेस जो है ना इसकी बहुत सारी अशिकाल है जिसके ऊपर आप और हम, हम बात करते रहे यहां से बात हमेशा इसलिए इसका आगाज किया जाता है कि जब भी कहीं जाते हैं तो हर शख्स परेशान नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नज़र आ रहा है अब जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा लीथल चीज़ है वो है स्ट्रेस इस क्योंकि इससे बॉडी के ऊपर दोनों तरह के रिएक्शंस होते हैं एक तो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो इससे कम होना शुरू हो जाते हैं और इस बड़ी तादाद ऐसी है जो इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है यहाँ से मैं चाहूँगा ज़रा गुफ्तू का आगाज़ किया जाए और फिर मैं आपसे ज़रा कुछ डाइट प्लान्स के हवाले से हमारे पास क्वेश्चन है वो आपकी खिदमत में रखूँगा फरमाइए साहब मेरे को मेरे शुक्रिया बहुत इनवाइटिंग मी ओवर अगेन और स्ट्रेस uh, uh, बड़ा आपने नाजुक टॉपिक छेड़ दिए जी लुकिंग एट द करंट सिनेरियोस वक्त जो हमारे पास जी. चल रहा है देखिए सबसे पहला मसला ये होता है स्ट्रेस एक हुँ. तो हम स्ट्रेस को आइडेंटिफाई ही नहीं करते हैं पहला इशू ये है।, है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम हुँ. स्ट्रेस से गुजर रहे हैं जब जब मेरे पास हेल्थ काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं और मेरे पास बैठते हैं उनको बोलती हूँ कि भाई दो तीन चीज़ें हैं उसमें पहला नंबर है स्ट्रेस का yes. आपको वो रेगुलेट करना है कहते हैं स्ट्रेस तो है ही नहीं जिंदगी में हालांकि पूरा दिन हमारा जहन क्लटर्ड होता है तो पहले जो मिसकंसेप्शन है कि आप किसी ट्रॉमा से ही गुजर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस है इस मिसकंसेप्शन से हमें बाहर निकलना चाहिए इस गलत फहमी से आपको यह समझना जरूरी है कि अगर पूरे दिन आप फिक्र में हैं परेशान हैं और आपको एक के बाद एक टास्क करना और आपको अभी भी फ्रॉम फ्रॉम इनसाइड इनसाइड, फीलिंग दैट मींस के आप स्ट्रेस्ड हैं ठीक है तो उसको रेगुलेट करने के डिफरेंट वर्कआउट uh, uh, तो मैं हमेशा लोगों को पहली चीज जो तनभी करती हूँ वो ये वर्कआउट क्योंकि जो भी आपका स्ट्रेस होता है उसको इंस्टेंट रिलीफ द मोमेंट आप मेरे मेरे कॉमन प्रैक्टिस है कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो आई स्टार्ट रनिंग आई फाइंड फाइन अ प्लेस गन आई आई रन और इमेजिएट मुझे इंस्टेंटली फील होता है कि मेरा सरोटिन लेवल जो है ना वो एस्केलेट कर गया yes. और hmm. uh, तो है और आई फील मच बेटर तो काफ़ी सारी थेरेपीज हैं अगर आप किसी फिटनेस uh, रजीमा अगर आप फॉलो hmm. कर रहे हैं तो वो काफ़ी सारी थेरेपीज़ uh, होती हैं जो आपको ऑफर hmm. की जाती हैं वर्किंग आउट है अगला hmm. yes, कि yes. कि uh, दिन दे है, है, exactly, like hmm. है चीजें नहीं हुई कोई बात नहीं कल हो, हो जाएंगी, exactly. है लेकिन बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में लिमिटेशंस होती है वो फिटनेस रूटीन फॉलो नहीं कर पाते कुछ अपनी सुस्ती की वजह से और कुछ अपने रूटीन्स की वजह से आपको लर्न करना होता है कि हम बचपन में हमारे अकेडमिक्स में पढ़ाया तो खूब जाता है आई क्यू पे तो खूब काम किया जाता है लेकिन इमोशनल क्वेश्चन एक चीज़ होती है इमोशनल इंटेलिजेंस उस पर काम नहीं किया नहीं जाता, किया जाता। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको सिखाती है अपने स्ट्रेस को हैंडल करना अपने इमोशंस को रेगुलेट करना तो वो बट इट्स नेवर टू लेट हर उम्र में सीखा जा सकता है तो अपने इमोशंस को अपने स्ट्रेस को रेगुलेट आपको खुद करना है बट काउंसलिंग योर सेल्फ टेलिंग योर सेल्फ नॉट इज नॉट अगर yeah, well. एक चीज नहीं हुई है और हर इंसान hmm. हर इंसान hmm. को अल्लाह ताला ने जॉब दी हुई है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और वो हंड्रेड परसेंट फुलफिल नहीं होती हैं बिकॉज दैट्स हाउ लाइफ इज आपकी लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे एवरी अदर डे देर बी अनदर चैलेंज जो कि आप हंड्रेड परसेंट ऑफ़ exactly. द उनकी सुबह से रात तक वो कर रही होती है छोटे 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 टास्क होते हैं बट काफी स्ट्रेसफुल होते हैं तो अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीखिए अपने आप को काउंसिल करना सीखिए इस बात को अपने अंदर बांध लीजिए जो कहते हैं ना बांध लेना चाहिए कि कोई बात नहीं अगर एक चीज

आप बाहर से खुद ब ठीक होना शुरू हो जाते हैं like, जैसा भी आपने बात किया द टाइम आई कार्डियो कार्डियो मुझे ऐसा लगता है है मेरी स्किन ब्रीथ कर रही ग्लो बड़ा मशहूर टर्म है कार्डियो, ग्लो, ग्लो, है। है, कार्डियो yes. ग्लो आपकी और मेरे पास जो मॉडल्स आती हैं वो खुद कह रही थे है कि लुक मेरी स्किन जो है वो ग्लो कर रही है आई हैव क्लीनर स्किन जो पैचेस मेरे फेस पे हो गए थे वो क्लीन होते जा रहे हैं क्योंकि आप होता ये कि ये साइंस ये है कि जितना आप इंटेंस वर्कआउट की तरफ जाते हैं उतना ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई इन ईच सेल ऑफ योर बॉडी जब ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव होती है तो ऑटोमेटिकली एंटी ऑक्सीडेंट जब आपकी बॉडी में इंप्रूव होते हैं तो ऑटोमेटिकली ईच ऑर्गन ईच पार्ट इवन योर स्किन पोज एवरी थिंग इम्प्रूव बिल्कुल तो आ, आपकी एनर्जी के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ आपके लुक्स आपके बाल आपकी स्किन हर चीज इंप्रूव हो रही होती है exactly. क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बेसिक नीड क्या है ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव हो गई ऑल ओवर बॉडी तो

बात यह कि मैं जब से अभी ये रमज़ान गुजरा है आप यकीन करें कि वो जो हैबिट थी ना फास्टिंग की वो इतनी पक्की हो गई है और उससे इतने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं कि आप यकीन करें कि दिल ये करता है कि रोज़ाना फास्टिंग करें आदमी इसके इतने बेनिफिट्स हैं और मैं अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा था तो मेरा ये ख्याल ये है कि जो फास्टिंग है ना आपकी बॉडी के लिए सबसे इफेक्टिव चीज है सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर आप अगर रोजाना फास्टिंग चले नहीं भी कर सकते लेकिन वीक में दो दिन आप जो है अगर फास्टिंग करें सुन्नत भी है मैं उसी तरफ आ रहा था तो मैं इतना हैरान हुआ कि जब ये चीज़ मुझे पता चली है कि ये एक सुन्नत भी है तो आप यकीन करें कि उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट आ रहे हैं मैं चाहूंगा जरा फास्टिंग के हवाले से बात की जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है एम टी स्टमक आप क्या कुछ अचीव कर सकते हैं इसमें बहुत सारे प्रसप्शन है अभी ये जो अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हैवी ब्रेकफास्ट और ये वो जो सारी मैं नॉनसेंस पढ़ता हूँ ना मैं बड़ा हैरान होता हूँ जरा मैं तूबा पे एक राय ले लूँ जी तूबा क्या आपकी राय

एक साइकिल में स्टक हो जाते हैं हुँ, हुँ. तो हम बात करेंगे इंटरमीडियट फास्टिंग पे लेकिन उससे पहले आपको 45 डेज से ज़्यादा एक्सीप्ट नहीं करना नहीं चाहिए इंटरमीडियट फास्टिंग अच्छा मैं आपको बताऊँ पहली आसानी क्या होती है जनरल yes. फास्ट कर रहे होते हैं एक आपका होता है गट हुँ. और गट हाइजीन एक चीज़ होती है जिससे हम अवेयर नहीं है हमारा क्या होता है कि जो बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत सारे अच्छे काम कर रहे होते हैं सारा आपका डाइजेशन आप इवन आपका जो हार्मोन्स हैं उसकी रेगुलेशन सब वो कर रहे होते हैं तो वो गट हाइजीन हमारी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है जब हम हमारी बैड हैबिट्स होती हैं जो कि मेजोरिटी की हैं इस लेट नाइट ईटिंग ईट आउट्स एंड ऑल दैट तो वो गट आपका क्लीन आउट होता है जब आप फैस कर रहे होते yes. हैं वो अपने दोबारा से अपने फंक्शंस प्रॉपर्ली परफॉर्म करना शुरू mm -hmm. कर देता है और प्रॉपर्ली परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि हाँ ठीक है वो कैलोरी बर्न हो रहा है और आपको एनर्जी मिल रही है उसका मतलब ये है कि जो आपको रिक्वायर्ड है अमाइनो uh, एसिड जो आपकी बॉडी में डिसफंक्शनल yes. uh, हो गए थे वो दोबारा से क्लीन आउट हो जाते हैं दोबारा से बिल्ड करने लगते हैं ग्रोथ हार्मोन जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर रीजनरेशन फॉर अगेन फॉर गुड स्किन फॉर गुड हेयर फॉर गुड परफॉर्मेंस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स उसके लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं जब आपका गट क्लीन होता है really right. बिल्कुल ठीक है वो जीएच रिलेटेड क्वेश्चन है ना अभी उस पॉइंट पर आ गए लेकिन आगे जाके बात होगी जी प्लीज कैरी ऑन और आ, दूसरा ये hmm. कि आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो एक बार yes, जैसे yes. कि hmm. hmm. हम वैसे तो बड़े अगेंस्ट हैं जी बिल्कुल और क्योंकि खैर हम उस तरफ भी आएंगे बट वो नेचुरली ट्रिगर होता है आप साफ सुथरा आपका बॉडी सेलेक्ट करने लगती है क्लीन <laughs> फूड <laughs> ऑटोमेटिकली राइट। right. तो वो ट्रिगर हो जाता है इसके लिए आपको किसी की तो डाइट पर जाने की जरूरत एक्जैक्टली काब्स कितने असेंशियल हैं मैं भी बात करूंगा सर। डॉक्टर साहब की तरफ आऊँ जरा काब्स रिलेटेड एक और भी बड़ा टॉपिक है तो साहब कौमों का मिजाज कैसा होता है हमारे यहाँ तो जो मीठी बोतल होती है ना वो महंगी होती है और बग़ैर जो जिसमें चीनी नहीं होती ना वो लोग इस्तेमाल ही नहीं, नहीं करते नहीं। जब इत्तेफाक हुआ पाकिस्तान से बाहर जाने का तो वहाँ जाके ये अंदाज़ा हुआ कि जनाब जो जिस बोतल में जो मीठी बोतल हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें शुगर नहीं होती वो महंगी होती है और शुगर वाली सस्ती होती है तो बड़ा हैरान हुए फिर वहाँ हमने जब कॉफ़ी पहली दफ़ा तलब की तो पता ये चला कि जनाब वो फीकी थी तो बड़ी हैरानी हुई कि यार इसमें ये शायद चीनी डालना भूल गए तो बताया गया कि जैसे आपके मुल्क में बताना पड़ता है कि इसमें शुगर नहीं डालनी हमारे यहाँ बताना पड़ता है कि आपको इसमें शुगर डालनी कॉमो के मिजाज का पता चला मैं भी देख रहा था इम्पोर्ट बिल का मैंने एक जायजा लिया अब फूड आइटम्स आपको इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं आपकी है। कमोडिटीज़ के ऊपर आपको टेन बिलियन के अराउंड आपने जो है इसके बिल खर्च कर दिया टी के आप नेट इम्पोर्टर हैं आपको इतनी चाय मंगवानी पड़ती है के, बता नहीं सकते हम बिलियंस ऑफ़ रुपीज आपने उसमें खर्च किए देन कुकिंग ऑयल एडेबल ऑयल आप मंगा रहे हैं सब कुछ मंगा रहे हैं ये कॉम का मिजाज कैसे चेंज होगा ये ऑस्टेरिटी आएगी कहाँ से कैसे खुद को कंट्रोल करेंगे देखें ये पता है कैसे आएगी ये आएगी हमारे यहाँ एजुकेशन जो है ना ये बहुत सिर्फ डिग्री के नाम पर एग्जैक्टली exactly. हमारे यहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है अगर आपके सौ लोगों के पास डिग्री है जी। तो उसमें जो एजुकेटेड आदमी है ना वो पचास फीसद से ज़्यादा नहीं बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमारा शूर मर गया है हमें जो चीज़ दिखाई जाती है हम उसके पीछे चले जाए बिल्कुल ठीक, ठीक है हमारे यहाँ महंगाई का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये भी है आप फूड आइटम्स अब हमारी जो एक एलिट क्लास है जी। वो चली गई है सारी फ्रोजन फूड पे बिल्कुल ठीक है औरतों ने घर पे काम करना छोड़ दिया छोड़ दिया हर किस्म की उसके पास मासियाँ मेड सर्वेंट ड्राइवर चौकीदार हर चीज़ अवेलेबल है उसके बाद क्या है कि उन्होंने बाहर से मंगा दो अच्छा फूड आइटम की आपके यहाँ इम्पोर्ट इतनी है कि अगर आप खुद इसकी फिगर्स बता रहे हैं मैं भी कल रात को ये पढ़ रहा था फिर आपकी जैसे आप सिंगापुर से ज्वेलरीज इम्पोर्ट करते हैं तो क्या पाकिस्तान में नहीं बन सकते देखें अभी आपके यहाँ दुनिया में मेरे ख़्याल से दस नंबरों की कंट्रीज़ में आपके यहाँ गंदम पैदा होता है जी आपके यहाँ कपास पैदा होता है तो ये चीजें अगर आप एक्सपोर्ट ना करें अपने लोगों को दें तो वो ज्यादा फायदा नहीं है उसमें आपके यहाँ दूध एक सौ सत्तर रुपए किलो होगा बताइए आप ये बताइए मतलब वो दूध हम अपने बच्चों को दुकान से लेके नहीं पिला सकते हम कहते हैं कि ठीक है वो प्रिजर्वेटिव चलो कम से कम एक कंपनी का उसके ऊपर तो वो पिला दें तो आज हमारे हम अपने एक्सपेंसेस को हमारी सोसाइटी का मिजाज जो है ना वो बहुत टिपिकल हो गया है जी अब वो उस चीज को आप सोचती नहीं हैं मतलब उनकी जो दे दे हैव नो एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द राइट एंड रॉन्ग ओके ठीक है जब आपको सही और गलत में तमीज नहीं होगी हमारी सोसाइटी आज वो चीनी वाली जो आप कह रहे हैं जी। बोतल जी। वो जहर उसको जहर नहीं समझती उसको वो समझती है कुछ लोग तो मुझे कहते हैं कि

जिसने हमारी जिंदगी को एक अजीरन बना के रख दिया और हमारे लोगों में एक सेंस ऑफ कंपैरिज़न बहुत ज्यादा हो गया बहुत हो हम इसमें से बाहर नहीं निकलेंगे ना हम इस कल्चर को चेंज नहीं कर सकते आज हमारे यहाँ जो कल्चर अगर आप देखें कि लोगों के यहाँ एक कल्चर बना हुआ है कि न्यू ईयर नाइट है तो बिलावज आप हजार रुपए की गोलियां जाया कर अच्छा उसका फायदा क्या है बताइए उसका नुकसान ज्यादा है कोई आठ दस लोग मर जाते हैं और हर दफा होता है हर दफा मरते हैं कमाल है अजीब लोग बारिश हुई अमेरिका में लंदन में आप यूरोप में देखें जहाँ बारिश हुई तूफान है लोग घर के अंदर हो जाते हैं जी जी हमारे यहाँ लोग उसको एंजॉय करते हैं कर रहे हैं कोई है ही नहीं हेल्थ एंड सेफ्टी का तो कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है नहीं और दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि हमारी तरफ से मुल्क के या पिछले सत्तर सालों से जब से मुल्क बनाए हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है बिल्कुल ठीक है आप क्या करेंगे आपके पास या फिर अगर आपने कहीं बच्चों को या बेगम को लेके जाना है आप कहाँ जाएंगे आप तीन जगह जा सकते हैं एक वो बीच जहाँ आप नहा नहीं सकते बिल्कुल ठीक है एक रेस्टोरेंट कितने आप बाहर का गंदा ऑयल खाएंगे बताइए कितना आप

LDL को कंट्रोल करता है कंट्रोल करता है ठीक है बिल्कुल ठीक हम बिला पाम ऑयल एड बिल ऑयल भारत से इम्पोर्ट कर रहे हैं आपका इतना सरसों है अभी मैं ये नवाबशाह की तरफ गया था आप यकीन करें पिछली सर्दियों में इतना सरसों था मैं आपको अपनी तस्वीरें भेजूंगा कि अगर उस सरसों के तेल को आप यूज़ करें तो आज से अगर आप मेरा तो खैर इस प्रोफेशन में नहीं है मैं है तो इनसे पूछें आज से दो तीन डेकेट पहले क्या ये वेजिटेबल रिफाइंड ऑयल्स थे

हमने अपनी महंगाई को खुद बढ़ाया हुआ है अब ये गाड़ियों के इम्पोर्ट्स आप देख लें जो वो एक मीरा गाड़ी एक छोटी सी थी वो मैंने बच्चों को लाने ले जाने के लिए एक दफ़ा आठ लाख रुपए की ली थी आज वो छब्बीस लाख रुपए की बताए तो ये किसने हमने उसको प्रमोट किया ना हम उसको हवा दे रहे हैं कि भाई हम तैयार हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए बिल्कुल आप अगर यू ए की मिसाल लें तो एक बड़ी मशहूर लैंड क्रूजर है वी आई जी जी वो वहाँ कोई पाकिस्तानी दो हज़ार उन्नीस में Hmm. साठ सत्तर लाख रुपए की हम उसको यहाँ चार सौ परसेंट ड्यूटी देके के चार करोड़ रुपए की लेते हैं ले रहे तो खुशी तो खुशी ज्यादा अमीर कौम कौन है तो मैं तो कहता हूं, वो तो मैं कहता वो मुझे दिखाओ सिर्फ इसमें है अगेन वही क्लास ठीक है डॉक्टर साहब और तुबा आप दोनों से गुफ्तु जारी रहेगी एक छोटी सी ब्रेक के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची वेलकम बैक वंस अगेन एक दफ़ा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमद कहेंगे ब्रेक पे जाने से पहले जी हमारी डिस्कशन जा रही थी और बात हो रही थी कुछ हमारी इकानी के हवाले से कुछ हमारी रूटीन के हवाले से और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है मज़्स मेहमान यहाँ पर तशीफ़ फरमाएं आप टाइम कम है सवाल बहुत सारे हैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी तमाम मामला पर गफगू की जा सके वैल तूबा की तरफ वापस आऊँगा तूबा एक बड़ी लंबी डिबेट है इसके ऊपर तो मेरे ख्याल में एक प्रोग्राम अलग से होना चाहिए काब्स और नो काब्स अभी पूरी दुनिया में बहस जारी है कि काब्स को अगर रिप्लेस किया जाए फैट्स के साथ और फैट को ही बर्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये कितना इफेक्टिव होगा मेरे लिए अभी तक मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं हूं आप जरा बताइए आपकी राय क्या है और ये बात किस हद तक सही है जी देखिए काफ़ी सारे केसेस में सही है क्योंकि हम प्राइमरीली वुमेन uh, के ऊपर काम कर रहे होते हैं और वुमेन की प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं तो काफी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि मेरेपोजल के टाइम पे जो खुवान को इश्यूज होते हैं वो एड्रेस हो सकते हैं गेटिंग गुड फैट्स uh, हम इवन जब मैं डाइट प्लान भी डिज़ाइन करती हूँ तो मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप गुड फैट्स जाए वो मॉर्निंग में ज़रूर लें क्योंकि आपके हारमोन जो रेगुलेट होते हैं ना स्पेशली इवन पीपल इन टू देरी मेनोपोजल टाइम जो होता है पोस्ट मेनोपोजल टाइम जो होता yes. है वो उस टाइम में अगर आपकी बॉडी गुड फैट्स कंज्यूम कर रही है तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी कम हो सकती हैं कार्ब्स uh, में ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का कॉन्सेप्ट लोगों को देना चाहिए yes. और आई थिंक स्कूल्स में आई वुड टेल टीचर्स आल्सो कि बच्चों को सिखाएं कि बेटा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कौन से होते हैं एंड आपके पास ये ये चॉइसेस हैं आपको वही लेनी है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ तो बिल्कुल कार्ब्स इंपॉर्टेंट हैं आई वुडन से कि हंड्रेड परसेंट आप फैट डाइट पे चले रहे हैं गुड फैट्स एक तो एजुकेट करें पहले बच्चों hmm. को पेरेंट्स भी अपने घर में वही ऑप्शन लाएं जो कि गुड फैट और गुड कॉम्प्लेक्स कार्ब्स इंक्लूड करते हैं right. और आई वुडेंट से ज़ीरो काप्स पे आपको जाना चाहिए बिकॉज़ uh, बहुत सिग्निफिकेंट uh, आपकी बॉडी आपकी डाइट का पार्ट होते हैं yeah. और बहुत सारे जो माइक्रो हम बार बार बोलते रहते हैं भाई माइक्रो ज़रूरी हैं ज़रूरी हैं ज़रूरी हैं

अब उसकी इम्पोर्टेंस अब कुछ एक वाइटमिन के बारे में तो मैं देखता हूँ जिंक के बारे में तो कोई कैंपेन चल रही है तो लोग अवेयर हैं खातन okay. अवेयर हैं वो समझती हैं कि ये ही टोटल सप्लीमेंट है जो हमें कंज्यूम करना है उसके अलावा कौन कौन से हैं जो डेली बेसिस ऊपर बिल्कुल बट उससे पहले सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अगर बिल्कुल लो डाइट पर चले जाते हैं तो हम फैट्स बिल्कुल निकाल देते हैं निकाल देते हैं मिनरल्स और वायटामिन का अमाउंट हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो आपकी बॉडी में वर्क नहीं करेगा बिकॉज फैट्स आर दी कैरियर्स ऑफ जैसे मैंने अभी पहले मैंशन uh -huh. किया था तो यू हैव टू कॉम्प्लीमेंट योर डाइट विद माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रंस अच्छा अब माइक्रो न्यूट्रंस की तरफ आ जाए तो वाइटामिन के वाइटामिन ए बी सी ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं डी हमने जो हमारी जो एक्टिविटी बचपन से लेकर जो बाहर अब मैं बहुत एक सिंपल सी टेक्निक स्पेशली मदर्स को बता रही होती हूँ जो मेरे पास आती हैं कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ते हैं तो आप जाके अपने टेरिस में या जो भी ओपन एरिया आपके घर में वहाँ बैठ के आप जो तस्वीर आपकी आदत है वो आप तलु आफ़ताब के टाइम पर बाहर बैठ के पढ़ें दैट्स द बेस्ट टाइम ज़बरदस्त किस्म का वाइटमिन डी पैक आपकी बॉडी को मिल रहा होता है जो बोन ऐश्यूज़ अरइज़ होने लगते हैं अर्ली प्री मेच्योर एजिंग की तरफ लड़कियाँ जाने लगती हैं उनको भी रिकमेंडेड है कि सुबह जब आप फजर की ठीक तो आदत डालिए और उस वक्त आप बाहर निकली ब्रीदिंग के लिए भी ब्रीदिंग आपके माइंड को सेटल करता है क्लटरिंग नहीं होने देता दूसरा आपके वाइटामिन एब्जॉर्बन को बेहतरीन कर देता है वाइटामिन डी एब्जॉर्बशन को hmm. दूसरा वो सारे फ्रू वेजिटेबल्स स्पेशली वेजिटेबल्स जो कि ग्रीन होती हैं hmm. उसमें बहुत गुड अमाउंट ऑफ वाइटामिन एंड मिनरल होता है hmm. तो वो उसकी कंज़प्शन आप कीजिए मेक श्योर कि दिन में एक मील में आपके पास गुड एम्पल अमाउंट ऑफ और पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कि आप पोर्शन कंट्रोल उसमें इतना ज़रूरी नहीं है hmm. Hmm. आप अगर ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो आप एक बोल फुल भी ले रहे हैं तो आपकी बॉडी अच्छी तरह से उसे कंज्यूम कर सकती है इफ़ यू नॉट टेकिंग एनी बैड कार्बैट ठीक है और मिनरल्स uh, हम ओवरलुक hmm. कर देते हैं जो hmm. कि बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है बैठा नहीं जाता उठा नहीं जाता देखते हुआ तीन से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती नहीं वाटर, उसमें बहुत सारे मिनरल कंटेंट होते हैं उसके अलावा स्वीट पोटेटोज हम नहीं खाते मोटे हो जाएंगे वंडरफुल फॉर योर डाइट वंडरफुल योर डायट एवो कार्डो आप लीजिए इट हैज गुड अमाउंट ऑफ गुड फैट ऑल्सो एंड मिनरल्स ऑल्सो तो एक अपने फ्रिज के ऊपर ना लिस्ट बनाइए गुड कार्ड्स एंड गुड फैट्स की और

उसमें नूडल्स ऐड हो गए हैं, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें ऐड हो गई हैं जो हमारे यहाँ बनती ही और जो नहीं है ऑर्गेनिक है मतलब अब मल्टीग्रेन पास्ता, पास्ता वो

अब आप अगर ये सारी चीजें करते हैं ये हमारी प्रैक्टिस प्रैक्टिसेस में शामिल है मैं घर का जब बिल देखता हूँ ना तो उसमें वो वो चीजें अब एड ऑन हो गई हैं जो पहले कभी तस्वूर नहीं था तो ये जो लाइफ स्टाइल हम लोगों ने, ने, ने ये हर घर की कहानी है अमीर गरीब का नहीं है एक सब जगह भी ये प्रोग्राम देखती है जब मैं ग्रोसरी करने जाता हूँ ना तो बिल कुछ होता है तो वाइफ करने जाती है तो वो डबल होता <laughs> <laughs> तो ये बड़ा आपने, आपने है सही तो आपने बड़ा ऐसा प्रोग्राम दिया है जी कि मतलब ऐसा स्टेटमेंट आपने दिया जिसमें तो कोई कमेंट नहीं करना घर वापस जाना है ठीक जाने अच्छा देखिए मसला ये है जैसे मैडम तोबा ने अभी कहा कि हम कुछ वाइटमिन्स की तो उसमें एक ऐड करता हूँ फिर आपकी बात के जवाब देखिये हमारे यहाँ जो आप सन के थ्रू समझते हैं कि विटामिन डी है hmm. लेकिन अभी उस पर बहुत स्टडीज आई हैं hmm. क्योंकि मेरा खुद मेडिकल hmm. एरिया एरिए hmm. स्थगि है तो उसमें कहा है कि ये फिफ्टी परसेंट एक्सेप्टेबल है फिफ्टी परसेंट hmm. कुछ लोगों में ऐसा नहीं होता hmm. Hmm. तो आजकल सबसे ज़्यादा फीमेल्स में जो प्रॉब्लम है वो बी hmm. और वाइटामिन डी की कमी है hmm. तो इसको आप सिंपल सा तरीका है कि आप इसको किसी ऐसी अप्रोच में ना जाए जो प्रैक्टिकल ना हो आप सीधा एक वाइटामिन डी का टेस्ट कराएं अगर है। वो आपका लेस देन टवेंट थर्टी आता है तो आप विटामिन डी लेना शुरू कर दें इसी तरीके से आप बी ट्वेल्व का करें तो आपके सेवेंटी परसेंट हालात इसमें कवर हो जाते हैं दूसरा देखें यासर जो आपने बात ग्रॉसरीज वाले बिल वाले की है ना ये हमारे यहाँ आप, आपकी जो ऑर्गेनिक फूड हैं जो हमारे यहाँ डिजायरेबल भी हैं खाने के लिए और जो रिकमेंडेड हैं पूरी दुनिया में लोग ऑर्गेनिक फूड पे जा रहे हैं और वो हमारे पाकिस्तान में एक बड़ी मकदार में अवेलेबल है। ही, ही। लेकिन हमारा वही मेंटल अप्रोच जो चेंज हो गया माइंडसेट जो चेंज हो गया है कि हमने उन चीज़ों को करना छोड़ दिया है और हम इसको आसानी की तरफ चले गए। तो ये आसानी जो है आपने खुद ख़त्म करनी है ये इंपोर्ट उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब हमारी आवाम ख़ुद इसको डिसकेज़ ठीक है।, है अब आप जब एक जाके पास्ता बाहर का देंगे तो वो कैसे नहीं लाएगा बिल्कुल अगर है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम इकोनॉमी का नहीं है अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का है वेरी इंपॉर्टेंटली बिल्कुल इस पे कोई बात नहीं करता आजकल मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ जो मैंने देखा कि मैं जौहर में रहता हूँ सफूरा से अगर मैं पूरे इधर सब्जी मंडी तक आ जाऊँ तो वो इतने ठेले और दुकानें हैं जिन पे कोई टैक्स लागू नहीं होता और वो आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का सिवाय पुलिस टैक्स के बिल्कुल उसको तो हम नहीं कह सकते वो वो तो तो का पार्ट है है तो होता हम नहीं, नहीं कर सकते ना अगर हमारा वही निजाम अच्छा होता तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं होती हमसे तो चार्ज हो रहा होता है ना हाँ, हमसे तो चार्ज मैंने आपसे कहा ना कि वो दो लेवल में कोई भी नुकसान में नहीं है और आपने ही करना है ये है लेकिन अब उसको हम रोक कैसे सकते हैं पहले अपना माइंड सेट चेंज पड़ेगा अपने लोगों को ये अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि तुम्हारे लिए ये खाना सही है ये खाना गलत है मैंने पिछले छः महीने से अपने घर में कोई प्रोसेस फूड इवन कि मैं नटेला तक बच्चों का नहीं लाता बिल्कुल ठीक क्योंकि जब उसकी केमिकल हम मेडिकल से हम इसको उसको पढ़े उसमें जितने भी प्रजर्वेटिव हैं वो आपके कैंसर कॉजिंग अच्छा ये डॉक्टर साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको चले प्रोडक्ट का नाम आपने ले लिया ठीक है वो ये जो ब्रेड जो ब्रेड स्प्रेड जिसको हम कहते हैं ना ये चॉकलेट स्प्रेड हम ये यूज कर रहे हैं इसको अच्छा पीछे इसको घुमा के अगर आप देखेंगे ना तो पीछे जरा आप पढ़े मैं तो सबसे पहले सबको एक चीज कहता हूँ कि प्लीज गॉड से देखें शुगर लिखा हुआ ना जिसमें शकर जिसको कहते हैं वो देख लें कितने ग्राम है आपको पता चल जाएगा आई मीन तेईस ग्राम चौबीस ग्राम पच्चीस ग्राम और इवन पचास ग्राम शुगर आप एक उसमें अगर टेबल स्पून में कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपको किधर लेकर जाएगा अच्छा अब वो पीछे से सिग्नल दे दिया उन्होंने कि सेगमेंट को ख़त्म करना है डॉक्टर साहब सवाल बहुत सारे हैं और अब ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो इस मुख्तसर वक्त में हम नहीं एड्रेस कर सके लेकिन यकीन अगली नशस्त में इसके ऊपर ज़रूर खुलकर गुफ होगी तुबा आपका भी बहुत शुक्रिया आपके लिए भी बहुत सारे सवाल हैं जहन में आए हैं और जो भेजे जाते हैं वो भी शामिल हैं इसमें तो इन जो अगली नशस्त हमारी होगी उसमें तफसीला इन सारे मामलों पर गुफ्तु करेंगे वैसे आपने मुख्तरा बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जो कि बहुत जरूरी है समझना लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है और इनशाला ये बात समझ में आएगी कि हमें किन चीज़ों से और इसे कल्चर का पार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है अपने घरों में अपने स्कूल्स में अपने में इस आइडिया को प्रोपोगेट करें हम बात ही नहीं करते हैं सेहत के ऊपर बिल्कुल इन चीज़ों को थोड़ा सोशल मीडिया पर भी हमें करना चाहिए बिल्कुल सही है ओके ओके चले जी थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब आपका शुक्या शुक्या बहुत शुक्रिया तुबा कि आप दोनों ने हमें प्रोग्राम में वक्त दिया व नाजी कोशिश की कि आज जरा सेहत के हवाले से ज़्यादा बात की जाए और बहुत सारी चीज़ें जिस पर हमें कंट्रोल रखने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब ने भी अभी जैसे इसकी निशानदेही की है कि ये अपना लाइफ स्टाइल जरा चेंज कर करें और यकीन जो मौशी हालात हैं कम वेश पूरी दुनिया में एक जैसे ही हैं वक्त किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है तो बहरहाल इन मामला को समझें खुदा रहा इसके ऊपर गौर करें फिक्र करें और इसके लिए कोई हकमत अमली बनाएं कोई स्ट्रेटी बनाएं जिससे आपको आगे लेके चलना हो जनाब सेगमेंट हमारा खत्म हो गया दूसरे सेगमेंट की तरफ जाएंगे लेकिन उससे पहले एक ब्रेक है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तु जारी रहेगी आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची